नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम लला की भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर इस समय तैयारियां चल रही है। देश भर से लोग इस कार्यक्रम में किसी न किसी तरह से अपनी प्रतिभागिता कर रहे हैं। इस बीच कानपुर से भी एक अनोखी खबर सामने आई है। दरअसल कानपुर में जिन गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी जनवरी महीने में होनी है, वह डॉक्टर के पास पहुंचकर अपनी डिलीवरी 22 जनवरी कराने की गुजारिश कर रही है। गर्भवती महिलाओं की इच्छा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उनके संतानों के लिए जीवन भर यादगार बने। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जच्चा बच्चा अस्पताल में कई गर्भवती महिलाएं अस्पताल पहुंच रही हैं और डॉक्टर से अपील कर रही हैं कि उनकी डिलीवरी 22 जनवरी को हो जाए। मेडिकल कॉलेज के आचार्य डॉक्टर सीमा द्विवेदी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। लगभग 12 से 14 महिलाओं ने इच्छा व्यक्त की है कि शुभ अवसर पर सुसंस्कारों से युक्त रामलला हमारे यहाँ भी आए, तो डॉक्टर साहब संभव हो पाए तो हमारी, अगर तारीख पड़ रही है 20 के आसपास, तो 22 को हमारा ऑपरेशन हो। देखिए, उस दिन तो अपने जितने हैं यहाँ से 15 से 20 डिलीवरियाँ होती हैं प्रतिदिन, तो वो जो निश्चित समय पे होती हैं वो तो होंगी ही। उसके अलावा जिनकी अपेक्षाएं हैं कि हो जाएं, वो भी उसकी भी तैयारी हमें कम से कम 15 और करके रखनी पड़ेगी, तो उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग कर। तो वही आपको बता दें कि 22 जनवरी के आसपास की डेट की डिलीवरी वाली महिलाओं का इच्छा है कि उनकी 22 जनवरी को ही डिलीवरी करवाई जाए, वो आग्रह कर चुकी हैं महिलाएं। इसी बीच आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अत्यंत शुभ है और डॉक्टर सीमा द्विवेदी ने भी बताया है कि बच्चों के जन्म में समय और मुहूर्त भी बेहद खास होता है। दरअसल बच्चे के जन्म के समय से उसके जीवन की दशा और दिशा तय हो जाती है। इसके साथ ही महिला यानी गर्भवती महिला और उसके परिजनों का क्या कुछ कहना है और किस तरह से वो खुशी व्यक्त करती हुई नजर आई और उनका कहना है कि 22 जनवरी को ही मेरी डिलीवरी होनी चाहिए ताकि रामलला मेरे घर भी आए और रामलला का रूप हम दर्शन नन्हे मुन्ने रूप में कर सके। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रही है गर्भवती महिला और उनके परिजन। फैमिली चाहती है उसी दिन आए। राम मंदिर का उद्घाटन है ना, पहले थोड़ा हिस्टोरिकल डे है और मतलब इतने सालों की उसमें जीत हुई है, मतलब केस जीते थे, तो इस वजह से बस सब चाहते हैं कि उसी दिन ठीक रहेगा। वैसे भी ऑपरेशन से होगा तो टाइम भी वही दिया गया है, तो इसलिए वो डे सेलेक्ट किया गया कि उस दिन आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। 22 जनवरी क्योंकि भगवान राम स्थापित किए जा रहे हैं, इतने दिन से बैठे थे, उनको स्थान नहीं मिला था, अब उनका मंदिर बन रहा है, उसी दिन हम भी चाह रहे हैं कि हमारा भी बेबी उसी दिन आ जाए। हमारा ये हमारी बहू है, बहू को बेबी होना है। अच्छा, पहले वैसे डॉक्टर ने कब बताया था कब होना था? जनवरी में ही होना था, लेकिन ये था कि फरवरी शुरुआत हो सकती है या अपरेट करवाना है, जनवरी में हो सकता है, तो जनवरी में अगर होना है तो फिर 22 जनवरी को ही हो जाए, तो भगवान राम के उससे होगा, राम नाम रख लें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।